नमस्कार, मानसी मांजरेकर, इंटीरियर डिज़ाइनर, और आप सभी जन देख रहे हैं एस इंटीरियर चैनल। आप सभी का एस इंटीरियर चैनल में बहुत ही स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसे होता है कि आप मार्केट में जब भी जाते हैं तो आपके घर के डेकोर के लिए आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, तभी आप वो चीज़ परचेस करते हैं, और तभी आपके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं होता है कि वो चीज़ हम लोग रखेंगे कहाँ, या फिर उसके लिए अपने घर में कोई जगह है भी या नहीं, और उसके साथ ही आप वो चीज़ बहुत ही महंगी वाली चीज़ आप पैसे दे के ख़रीदते हैं लेकिन वो चीज़ आपके घर में नहीं रख पाते। अगर ऐसे ही प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट तक इसको ज़रूर देखिए, आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। हेलो सोनाली। हेलो। मेरे घर के पास फर्नीचर एक्सिबिशन लगा है, तू मेरे साथ चलना। क्या खरीदना है? मेरे घर के लिए आर्ट फैक्ट्स। लेकिन तेरे घर का इंटीरियर का काम पूरा नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं हुआ। कुछ अच्छा मिला तो देखते हैं। तू भी तेरे घर के लिए कुछ देखना। मेरी इंटीरियर डिजाइनर मानसी मांजरेकर ने मुझे अभी कुछ लेने के लिए नहीं बोला है। क्यों? लेकिन उनका कहना है कि पहले जगह बनाएंगे फिर लेंगे। मुझे तो लेना है। ठीक है, चलते हैं। देखा कितनी अच्छी चीजें हैं। हाँ हैं तू, काफी अच्छी, पर उसके लिए जगह। तू टेंशन मत ले, वो जगह तो हो जाएगी। हेलो, हाय, वेलकम। तूने सब सामान नहीं लगाया क्या अभी तक? नहीं यार, तेरी इंटीरियर डिजाइनर मानसी मांजरेकर सही थी, मेरे पास जगह ही नहीं बची इतनी सारे आर्ट फैक्ट्स के लिए। मानसी मेरे साथ शॉपिंग के लिए आई थी और उन्होंने जगह के हिसाब से ही आर्ट फैक्ट्स लेके दिए, और जगह पर सब अच्छे से रखें। हाँ यार, बहुत दुख हो रहा है, पैसे भी गए और सामान वैसे की वैसे पड़ा है। हाँ यार, मुझे भी लगा था कुछ ले लूँ, लेकिन अच्छा हुआ मैंने मेरे इंटीरियर डिजाइनर का सुना। अगर आपको आपके पैसे मेरी फ्रेंड के जैसे वेस्ट नहीं करने हैं तो मेरी इंटीरियर डिजाइनर ने जो बताया वो जरूर ध्यान रखना। अगर आपको मेरी इंटीरियर डिजाइनर से बात करनी है तो ये रही मानसी मांजरेकर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों फ्रेंड की स्टोरी बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। मैं जब भी मेरे क्लाइंट को हम लोग उनका इंटीरियर करते हैं तभी यही सलाह हमेशा देती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको पसंद आई उसको परचेस करने से पहले ये सोचिए कि आपके घर में वो चीज़ के लिए जगह है भी या नहीं। अगर है तो उसको उसके जगह के हिसाब से और आपके डेकोर के हिसाब से उसका कलर और साइज़ होना चाहिए। नहीं तो हम लोग हमेशा अगर परचेस की हुई चीज़ लेके आते हैं लेकिन वो इतनी महंगी चीज़ अगर हमारे घर में उसके लिए अगर जगह नहीं बना पाते तो बहुत ही अफसोस होता। तो अगर ऐसे आपको आपके जो महंगी चीज़ें आप खरीद के लेके आते हैं के लिए अगर आपको अफसोस नहीं करना है और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं करना, तो आज मैंने ये वीडियो में आपको जो सलाह दी है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, और कभी भी आपके घर के डेकोर के हिसाब से ही चीज़ें परचेस कीजिए। तो आप भी वो जो चीज़ आपने दिल से लाई है उसको देखिए, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आज के आपके साथ मैंने ये जो टिप्स शेयर की है उसको आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स मैं अगले एपिसोड में भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज के ये मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए।